नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से YouTube चैनल पे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू स्कोर 90-95% इन योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे डूज एंड डोंट्स या फिर हम बोल सकते हैं पांच ऐसे टिप्स एंड मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो करके इजीली आप अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में 90-95% स्कोर कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टिप है एनालाइजन प्लान। तो एनालाइजन प्लान में आपको सिंपली करना यह है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक पेपर लें और आपको नोट डाउन करना है कि ईच सब्जेक्ट वाइज आपने कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और कौन सा चैप्टर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। इसके बाद आती है प्लानिंग। तो प्लानिंग में आपको सिंपली करना यह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सब्जेक्ट के आगे लिखा है कि ये चैप्टर मैंने अभी तक बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उस चैप्टर के लिए आपको एक गोल सेट करना है या फिर हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस चैप्टर को आपको या नेक्स्ट 4 डेज या फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट 5 डेज में आपको उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। और उन 5 डेज में आपको करना क्या है, उन 5 डेज में आपको टेक्स्ट बुक के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स, उस चैप्टर के अच्छे से टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उस चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज की जो सेकंड टिप है वो है गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच सब्जेक्ट। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप 4 सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट आपका काफी वीक है, तो आप क्या करते हैं उस जो वीक सब्जेक्ट है आपका उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके 4 सब्जेक्ट में काफी अच्छा स्कोर आ गया, जैसे आपके 95 पर ईच सब्जेक्ट आ गया और जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसमें आपने सिर्फ 50 स्कोर किया, तो आपका टोटल होगा अराउंड 430, जो कि 90% भी नहीं है। तो आपको सिंपली करना यह है, जिस सब्जेक्ट में आप काफी वीक है उसको आपको ज्यादा टाइम देना है और उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। तो आज की जो फिफ्थ टिप है वो है टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स। तो मैं आपको 5 बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो आपकी काफी हेल्प करेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो जो फर्स्ट चैनल है वो है फिजिक्स वाला क्लास 9th and 10th फाउंडेशन। तो ये चैनल काफी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आई थिंक जनवरी में ही लॉन्च हुआ है, और इस चैनल पे क्लास 10th का कोर्स, क्लास 10th के बच्चों को स्टार्टिंग से कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, वो इस चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं। सेकेंड जो चैनल है वो एड्यूमंत्रा बाय संजीव पांडे सर, और मैं पर्सनली बताऊं एड्यूमंत्रा ने मेरी काफी हेल्प की थी SST में, क्योंकि एड्यूमंत्रा पे मुझे काफी वन शॉट वीडियोस मिली थी। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो उसमें मेरे को काफी हेल्प हुई थी, मैंने सब वन शॉट वीडियोस देख ली जिससे क्विक रिविजन हो गया था एक दिन पहले एग्जाम से। जो थर्ड चैप्टर है वो है BKP भाई की पढ़ाई। जो फोर्थ चैप्टर है वो शोभित निर्वाण। शोभित निर्वाण भैया को आप सब जानते होंगे शायद, और उनके चैनल पे ज्यादा करके एग्जाम से पहले काफी अच्छा कंटेंट मिलता है, जैसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, या फिर हर चैप्टर के काफी अच्छे नोट्स मिल जाते हैं जिनसे पढ़ने में काफी आसानी होती है, और वो काफी हेल्प करेंगे आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में। तो जो फिफ्थ चैनल है, अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ्स सब्जेक्ट की बात करूं, तो वो है सब्जेक्ट टीचर एंड CBSE क्लास वीडियो। ये दोनों चैनल पर्सनली मैंने यूज किया और मुझे काफी फायदा हुआ है इन दोनों चैनल। इन सभी चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज की जो फोर्थ टिप है वो है स्पेंड टाइम इन फिजिकल एक्टिविटीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टिप है, इसमें आपको सिंपली करना ये है पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना है, चाहे वो आप सुबह जाएं चाहे आप शाम को जाएं, एटलीस्ट आपको 1 घंटा। अब इस 1 घंटे में आपको करना क्या है, इस 1 घंटे में आपकी जो भी मर्जी, आपको कोई भी आउटडोर एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, चाहे आप कोई सा भी स्पोर्ट हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एटलीस्ट एक वॉक हो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपको एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए दिन में निकालना है, ताकि आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4-5 घंटा एक साथ बैठ के पढ़े, इट्स इम्पॉसिबल। आपको करना क्या है, आप 40-50 मिनट्स का एक सेशन लें, फिर उसके बाद 5-10 मिनट्स का एक ब्रेक लें, और उसके बाद वापस पढ़ने बैठे। तो आज की जो फिफ्थ टिप है वो है हार्ड वर्क एंड फोकस स्टडी एंड फोकस ऑन NCERT। फोकस ऑन NCERT एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। कई बार मैंने कई बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बहुत हायर लेवल की बुक सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं NCERT हमारे लेवल की नहीं है, NCERT काफी इजी बुक है। तो ये बहुत ही गलत चीज करते हैं बच्चे। आपको करना है कि आपको सबसे पहले NCERT अपनी एकदम जो आपके बेसिस है वो एकदम क्लियर करना है, आपको NCERT पूरी अच्छे से सॉल्व करनी है। अगर आपकी NCERT अच्छे से हो गई है तो आप फर्दर दूसरी बुक्स पे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मैथ्स सब्जेक्ट लें तो मैथ्स में 60-70% डायरेक्ट NCERT से आते हैं, तो आपको सबसे पहले NCERT काफी अच्छे से सॉल्व करनी है। अब हम बात करें आज के डोंट्स की या फिर मिस्टेक्स की, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। तो जो पहली मिस्टेक है वो है नेवर वेट फॉर द लास्ट 1 मंथ। कई बच्चे क्या, जैसे अभी आज से टेल योर एग्जाम डेट अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स बाकी हैं और आपके एग्जाम्स के लिए, तो कई बच्चे सोचेंगे हम दो मंथ्स कमिंग के 2 मंथ्स
मस्ती कर लेते हैं और लास्ट के एक मंथ अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के एक मंथ आप पैनिक हो जाएंगे, आप बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको कहां से स्टार्ट करो, क्या क्या पढ़ना है मुझे। तो आपको सिंपली करना है आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करें, आप पे ज्यादा बाद में प्रेशर भी नहीं आएगा और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से होगी। मिस्टेक नंबर टू है, वो है डोंट लीव एनी टॉपिक। जैसे अगर हम पर्टिकुलरली SST की बात करें, तो SST में हिस्ट्री में पर्टिकुलरली कई टॉपिक होते हैं जो हमें काफी बोरिंग लगते हैं, हमें काफी बिल्कुल समझ नहीं आते, तो हम उनको कई बार स्किप कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एटलीस्ट आपको उसको एक बार रीड करना है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ ये टॉपिक किस चीज के लिए है। और अगर बाई चांस उस टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कम से कम आप उस क्वेश्चन को खाली तो छोड़ के नहीं आओगे, एटलीस्ट एक से दो मार्क्स तो मिलेंगे। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना है, जस्ट आप एक बार सिंपली उसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो जो आज की थर्ड मिस्टेक है वो है डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर प्री बोर्ड मार्क्स। तो एक्चुअली ये मिस्टेक कई बच्चे कर देते हैं। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे भी प्री बोर्ड में काफी कम मार्क्स आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मैथ्स में आए थे 40 एंड साइंस में भी अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80। तो आपको इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड में क्या है, टीचर आप जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो काफी अच्छे से आपका पेपर चेक करते हैं। तो आपको इससे बेनिफिट क्या लेना है कि आपको अपने टीचर से जाके पूछना है कि मैंने किस टॉपिक में ज्यादा गलती की है, और आपको खुद आपका प्री बोर्ड का पेपर एनालाइज करना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक में मैं ज्यादा वीक हूँ, इस टॉपिक में मैं और स्कोर कर सकता हूँ, और इस टॉपिक में मेरे को ज्यादा फोकस करना है, और इस टॉपिक पे मतलब मैंने इस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ लिया है, उस पर ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तो आज की जो फोर्थ टिप है वो है सैक्रिफाइस। तो यस, आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है। तो जैसे कि आप जानते हैं आपके अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स बाकी हैं, और इन 3 मंथ्स में आपको अपना बेस्ट देना है, जिससे आपका जो परसेंटेज है वो काफी इंप्रूव हो। आपको जो चीजें नहीं करनी है वो, एक तो मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने जो मोबाइल फोन मोबाइल गेम्स बंद कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल पबजी तो बैन हो गया है, फ्री फायर या जो भी आप गेम्स हैं आप खेल सकते हैं, लेकिन एक्सेस में ना खेलें 15 से 20 मिनट। हाँ 15 to 20 मिनट्स ओके है, लेकिन आप लगातार 1 से 2 घंटा खेले जा रहे हैं तो वो काफी आपका जो टाइम है वो काफी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो आज की जो फिफ्थ टिप है वो है डोंट टेक टेंशन बिफोर एग्जाम। तो आपको मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम होने वाला है, एज कम्पेयर टू योर क्लास 9th एग्जाम, एज कम्पेयर टू योर क्लास 11th एंड 12th, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्योंकि एक तो इसमें बहुत कम सिलेबस है, और ये बात आपको क्लास 11th में आने के बाद पता चलेगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है एग्जाम से पहले। कई बच्चे क्या होते हैं कि उन्होंने मतलब पहले काफी अच्छा पढ़ लिया होता है, और वो एग्जाम से पहले 1-2 महीना कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हाँ मैंने सब चीज पढ़ रखी है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये 5 important do's and don'ts पता चल सके और वो भी काफी अच्छा स्कोर कर सके अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।